हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। आज हम लोग प्रकाश का परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हाई स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है लगभग 85 से 90%। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हमने पिछली वाली वीडियो में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया था, तो आप वहाँ जाकर पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब प्रकाश का परिवर्तन, इसका एक रूल होता है। जैसे ये हमारा कोई चिकना तल होता है, ठीक है, इसको बना लेते हैं, ये हमारा चिकना तल हो गया। अब क्या होता है, यहाँ या कोई किसी की कोई माध्यम है, ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है। जैसे ये किरण आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, ठीक, ये प्रकाश की किरण है। तो ये आ रही है, तो इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आना मतलब आपतित, ठीक, आज जो किरण आ रही है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी चिकने तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। सबसे मेन पॉइंट यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा कर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है, ये परावर्तित। अब जो ये वाला जो चिकने तल पे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हम लोग नॉर्मल मतलब अभिलंब खींच देते हैं, ये हमारा क्या होता है, अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये जो होती है आपतित किरण जो होती है, आपतित मतलब इंसिडेंस रे, तो ये आई होता है, ठीक है, मतलब आई मतलब आपता, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये एंगल होता है, इसे आपतन कोण कहते हैं, क्या, आपतन, आपतन कोण कहते हैं। ये हमारी परिवर्तित किरण है, ठीक है, तो इस कोण को क्या कहेंगे, परिवर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टेड, तो ये इसको आर से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये जब आपतित किरण है तो इसको आपतन कोण कहा, ये परिवर्तित किरण है तो इसको परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, जब कोई किरण या जब कोई आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये चिकना तल है हमारा, चिकना तल या पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, ठीक है। चलिए अब रूल, अगर जिस किसी को भी लिखना हो तो लिख सकता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखो प्रकाश की किरण आ रही है किसी माध्यम से, ये जो हमारा है पूरा वायुमंडल हमारा कोई ना कोई माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम या हवा है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। तो ये देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है किसी माध्यम से आकर किसी चिकने तल, ये हमारा चिकना तल है, इस पर आई, टकराई, तो वह परिवर्तित होकर, तो यहाँ से परिवर्तित हो गई, परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती, देखो जो माध्यम यहाँ था वही माध्यम इधर भी है, तो उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। अब क्या होता है, आने वाली किरण, जो किरण आ रही मतलब जो चिकने तल से टकरा रही आने वाली किरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक, आने वाली किरण को आपतित किरण तथा तल से
ये तल है, इससे जो किरण जा रही मतलब वापस जा रही है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब जो होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके दो नियम होते हैं, बहुत ही मेन पॉइंट है, इसके दो नियम होते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं, आपतन कोण क्या था हमारा, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा था। ठीक है, तो आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होंगे। अगर ये प्रक्रिया लागू नहीं हुई तो मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हों, बराबर हों। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, पहला रूल हो गया, क्या हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक, समझ में आया, ठीक है। दूसरा, आपतित किरण, ठीक ये हमारी क्या है, ये आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, चलिए ठीक, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इसे पब्लिक प्लेस में ज़्यादा ही शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके नीचे आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो सारी अपडेटेड वीडियो होंगी वो आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन पे आ जाएंगी और फटाफट आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।